इसमें देखिए 60 नोट्स में हम लोग लीजेंड, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट और एम्बीडेंटेट लीजेंस की चर्चा कर रहे थे। इसमें लीजेंड क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल हम ले लिए, K4FeCN6 एक कंपाउंड ले लिए जो कि एक कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड है, और इस कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड में ये हमारा पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है। इस नेगेटिव पार्ट में ये जो CN देख रहे हैं हम लोग, इसको हम लोग लिजेंड कहते हैं। एक्चुअली ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो दोज एटम आर ग्रुप ऑफ द एटम्स विच बॉन्डेड विथ कॉम्प्लेक्स बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसे परमाणु या परमाणुओं का समूह जो किसी जटिल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, उसको हम लोग लिजेंड कहते हैं। मतलब ऐसे परमाणु या परमाणुओं का समूह जो किसी उपसहसंयोजी यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, उसको हम लोग लिजेंड बोलते हैं। अब लिजेंड की चर्चा हो गई। लिजेंड के बाद मोनोडेंटेट, मोनो का मतलब होता है एक, ऐसे लिजेंड जिसके पास केवल एक डोनर साइट हो, मतलब केवल एक तरह से जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की सहायता से सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़े। जैसे मान लीजिए Cl है, Br है, आई है, आई के बाद NO2 भी ले सकते हैं, ये भी मोनोडेंटेट लिजेंड्स हैं। तो ऐसे लिजेंड जिसके पास केवल एक डोनर साइट होती है, उसको हम लोग मोनोडेंटेट लिजेंड कहते हैं। और ऐसे लिजेंड जिसके पास दो डोनर साइट होती है, उसको बाइडेंटेट लिजेंड कहते हैं। जैसे एग्जांपल में EN एथिलीन डाइएमीन है, CH2NH2, यहां पर इस नाइट्रोजन के पास यहां लोन पेयर है, और ये यहां इस दोनों के पास, ये आपका बाइडेंटेट लिजेंड्स है। OX ऑक्सलेटो, ये भी बाइडेंटेट लिजेंड्स है। तो ऐसे लिजेंड जिसके पास दो दो डोनर साइट होते हैं, उसको बाइडेंटेट लिजेंड्स कहते हैं। और एम्बीडेंटेट लिजेंड्स NO2 है, ONO है, मतलब ऐसे लिजेंड जिसमें जो उपस्थित जो है एटम होते हैं उनकी उनकी जो है जो रोटेशंस है, या ये कह सकते हैं कि जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रोजन के साथ ये केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़े होंगे, यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम होगा, यहाँ ऑक्सीजन के साथ ये केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़े होंगे। मतलब ऐसे जो है लिजेंड जिसमें एक से अधिक डोनर साइट हो, मतलब ऐसे लिजेंड जिसमें एक से अधिक डोनर साइट प्रेजेंट हो, उसको हम लोग बोलते हैं उभयधर्मी। उभयधर्मी का मतलब होता है कि एक से अधिक जो है उसके अंदर डोनर साइट का प्रेजेंट रहना। तो ऐसे लिजेंड को हम लोग एम्बीडेंटेट लिजेंड्स बोलते हैं, जैसे कि ये है। इसके अलावा भी है, जैसे CN को देखें हम, यदि ये CN है और ये आपका NC है, CN में C जो है केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ा होगा, और NC में N केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ा होगा। तो इस लिजेंड को हम लोग बोलेंगे एम्बीडेंटेट लिजेंड।